जी हाँ भाइयों और उनकी बहनों, लेकर आ गए हैं हम आपका चहेता आईपीएल अपडेट शो स्पॉन्सर्ड बाय कोविड-19, जिसके हम बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं। कल का मैच था राजस्थान वर्सेस पंजाब का और फर्स्ट इनिंग में खेली पंजाब। पंजाब के तो भैया क्या बताएं, लोगों की उम्मीदों पे सैनिटाइजर फेरते हुए गेल को ओपनिंग में नहीं भेजा गया। गेल ने बाय द वे आईपीएल बाबा को चढ़ाया 1 किलो मास्क और प्रॉमिस करा कि हम आपको आके 1 लीटर बॉटल सैनिटाइजर की भी देंगे, जिसकी वजह से तीसरे ओवर में ही उनकी बैटिंग आ गई। गेल ने फुलबाग के रंगबाज की तरह 40 रन मारे यार, 40 रन। और फिर उसके बाद बैटिंग आई हमारे जाट पुत्र हुड्डा जी की। और हुड्डा भाई ने बैट में लगाई थी स्प्रिंग या सांडे का तेल, ये तो सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने ऐसे सुताई के राजस्थान के बॉलर्स की कि ये बात तो साफ है कि कल रात में वो उनके सपनों में आए होंगे। इसके बाद मैंने देखा कि प्रीटी जिंटा ने इस साल शाहरुख खान को जो खरीद लिया था वो मैदान में थे, और लास्ट ओवर में उनको स्ट्राइक नहीं मिली, वरना वो भी इस बार राजस्थान के बॉलर्स को खिला देते विमल की पुड़िया। केएल राहुल ने खाई हुई है माता रानी की कसम कि भैया कसम तो यही है, सबसे ज्यादा रन मैं ही बनाऊंगा। अब यहां पर लेंगे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, ड्रिंक्स ब्रेक। दूसरे इनिंग्स में बारी आई बेन स्टोक्स की। उनका विकेट लेने के चक्कर में शामी, केएल राहुल और दीपक हुड्डा ने सोशल डिस्टेंसिंग की सारी धज्जियां उड़ा दी और सांप की तरह नारियल की तरह लिपट लिपट के कैच पकड़ा। उसके बाद झाई ने किया बटलर को बाय बाय, सारे चारों चौकों का बदला ले लिया। पराग डेयरी के रेगुलर कस्टमर रियान पराग ने आते ही चौका और छक्का जड़ मारा। संजू सैमसन बने सैकड़ा सैमसन, पंजाब के बॉलर्स को खून के आंसू रुला दिए। लेकिन आखिरी में धोनी स्टाइल में सिंगल डिनाई करने के बावजूद नैया डुबो दी यार। होटल रूम से मुझे गुप्त खबर पता लगी है कि क्रिस मॉरिस ने कल कैप्टन सैमसंग के रूम के बाहर रात भर धरना दिया है और ये बोला है कि बीच बाजार में 16 करोड़ रुपए देकर बेइज्जती कौन करता है भी? इसी के साथ हमारा शो खत्म होता है। लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो और भैया सब्सक्राइब भी कर ले ओ। कमेंट भी कर दो।